क्योंकि आपके नेता लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस अगर थोड़ा सा इनिशिएट जल्दी ले ले, कांग्रेस के नेता ठीक तरीके से उस समय हमारे साथ काम कर लें तो चीजें बेहतर हो सकती है। देखिए, मैं एक बात तो बिल्कुल साफ कहूंगा, हो सकता है कि आपके आंकड़े हमें अच्छे ना लग रहे हैं और जो हम बोलने जा रहे हैं वो आपको अच्छा ना लगे। एक चीज तो तय कर लीजिए, क्योंकि परिणाम के बाद भी हम आपके कार्यक्रम में बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी 200 सीट नहीं पाने जा रही, एक लिख लीजिएगा कहीं पर, नोट कर लीजिए। दूसरी बात, अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता को सुन रहा था, भगवान राम के बारे में बोल रहे थे कि स्टालिन ने क्या कहा। देखिए, ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आ जाते हैं। दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अभी राज्यसभा में हैं, उन्होंने सीता मैया को क्या कहा था, कैसे पैदा हुई। इनके साथ संजय निषाद गठबंधन में है, भगवान राम के पिता पर सवाल खड़ा करने वाले, कौन सी नैतिकता है। अभी मैं बघेल साहब को सुन रहा था, जब आपने कहा कि आप कैसे जीतेंगे, तो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के वादे 10 साल पहले जो थे, और फिर पिछला चुनाव तो देश के इमोशन पर, देश के जवानों के शहादत पर आप लड़ करके जीत करके आ गए। आप महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, सीमाएं सुरक्षित नहीं, संसद सुरक्षित नहीं, महंगाई आसमान पर है, किसान बर्बाद हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं पर अत्याचार कितना बढ़ गया है, जवाब दे दीजिए बाबा। ये आप कह सकते हैं, जवाब दे दूं सुनील जी, आपने जो सवाल उठाए मुझे लगता है उसका जवाब शहजाद से ले लेते हैं। देखिए, दोनों बातों का जवाब देता हूँ, बेरोजगारी से शुरू करता हूँ। जब इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 18% CMI के डेटा के हिसाब से बेरोजगारी दर, आज 2.5% है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए आप देख लीजिए, और मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश राजस्थान में, राजस्थान में 20% थी, वहां पर इनकी सरकार डिलीट, राजस्थान में 20% था वहां पर सरकार डिलीट, मध्य प्रदेश में 2% था वहां पर हमारी सरकार रिपीट। पर छोड़ देते इस विषय को, मैं आता हूं महंगाई पर। चलिए, महंगाई 10% से ऊपर थी पूरे 2012 से लेकर 14 तक, आज दो वैश्विक चुनौतियों के बाद भी 5.5% है। पर मेरा सवाल यह है कि आप हिमाचल में 6 रुपए डीजल क्यों बढ़ाते हैं, महंगाई है ना, तो आप वहां पर कम कीजिए। पहली बार होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में कब आया है, इस बार आया है। पर मैं उसको भी छोड़ देता हूं, आप कहते हैं कि देखिए हमने वादे पूरे नहीं किए। सुनील साजन जी, आप नोट कीजिए, 370 हटाने का वादा जनसंघ के दिनों से पूरा किया, राम मंदिर बनाने का वादा जनसंघ के दिनों से पूरा किया, यूसीसी का वादा, 3 तलाक का वादा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का वादा, सीए का वादा, ये सारे वादे पूरे किए हैं, और 10वें से 30 स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाने का वादा पूरा किया, 25 करोड़ को केवल गरीबी हटाओ नहीं नीति के माध्यम से उनको बाहर निकालने का वादा पूरा किया। ओके सुप्रिया जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से पहले बेगूसराय से जय किशोर पांडे पूछना चाहते हैं बेगूसराय के बारे में। संदीप और शिव, आप उनका वो डेटा तैयार रखिएगा, मैं आऊंगा और बात करूंगा बेगूसराय के बारे में। लेकिन सुप्रिया जी, आप रिएक्ट करना चाह रही हैं कुछ? मैं छोटी सी बात धर्म पे जरूर बोलना चाहती हूं। मैं बहुत सुनती हूं भाजपा के स्वयंभू ठेकेदारों को, मुझे इन लोगों से दो चीजों पे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक हिंदू धर्म पर और एक मुझे इनसे राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हिंदू धर्म पे मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूं। रामचंद्र जी का नाम किस मुंह से लेते हैं ये लोग? जब रामचंद्र जी का नाम लेते हैं तो रामायण की चौपाई याद आती है, दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा, जहां पर गरीब, जहां पर गुर्बत, जहां पर बेरोजगार, जहां पर महंगाई। अरे रामचंद्र जी वो थे जो अपनी पत्नी के आदर और सम्मान के लिए, एक महिला के लिए जिन्होंने अन्याय का अंत किया, कानपुर में 10 दिन पहले पेड़ से लटकी 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिले, उन पर ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा था उस भट्टे के आदमी से, उसके 6 दिन बाद उनके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये राम राज्य है आपका? लड़कियों को सड़कों पर घसीटा गया, हमारी एथलीट बेटियों को संरक्षण मिला ब्रजभूषण को, ये राम राज्य है आपका? किसानों को, अन्नदाताओं को रौंद दिया गाजर मूली की तरह अपनी गाड़ी से, उसके पिता को गृह राज्य मंत्री बनाए रखा गया, ये राम राज्य है आपका? आपका राम राज्य ये है जहां पर युवाओं को लाठियां पड़ रही हैं, जहां पर अन्नदाताओं पर आंसू गोले फेंके जा रहे हैं? क्या चाहते थे वो? दिल्ली आना चाहते थे? दिल्ली किसी की बपौती है? उनकी सड़कों पर कीले गुड़वा दी गई, उनके जो सड़कें थी वो खुदवा दी गई, ये राम राज्य है आपका? न राम राज्य समझते हैं, न शबरी का प्रेम समझते हैं, न सीता के प्रति समर्पण समझते हैं। ये रामचंद्र जी के एक मर्यादा के मूल से अवगत नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको ऐसे नहीं कहा गया। रामचंद्र का नाम जब मर्यादा हो तब लीजिएगा। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, बहुत शुक्रिया। देखिए पवन खेड़ा जी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ओके
पवन खेड़ा जी ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन है मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट AICC, उनसे बात कर रहे हैं। उससे पहले बेगूसराय का ओपिनियन पोल क्या कहता है ये जान लेते हैं। बताइए शिव, क्या है ओपिनियन पोल बेगूसराय का? जी, बेगूसराय में NDA यानी BJP 52.05%, इंडिया 33.98% और यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट है 13.98%, बल्कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 14% जो है वो अनडिसाइडेड है। तो गिरिराज सिंह सेफ है ना वहाँ पे? जी अभी तक था। ठीक है, ओके, चलिए। तो पवन खेड़ा जी हमारे साथ है। पवन जी, सबसे पहले हम लोग आपको अपने ओपिनियन पोल की जो फाइनल फाइंडिंग्स है वो बता देते हैं। NDA को 376 सीटें मिल सकती है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, इंडिया को 133 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 34 सीटें मिल सकती हैं। 20 लाख का सैंपल साइज है इस सर्वे का, उसके बाद ये नतीजे सामने आ रहे हैं। मैं ओपिनियन पोल्स को ज़्यादा गंभीरता से ना आप लेते होंगे ना मैं लेता हूँ, लेकिन हाँ, मनोरंजन का एक अच्छा स्रोत होता है ये। आप भी मनोरंजन पाइए, हम भी मनोरंजन पाते हैं, अच्छी बात है। उसमें क्या है, चुनाव से पहले तो ये मनोरंजन चलते रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 20 लाख के सैंपल साइज को हमने यहाँ पर ओपिनियन पोल में रखा है पवन जी, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं और बहुत सारी सीटें तो ऐसी हैं जो 50% से ज़्यादा दिखा रही हैं BJP की तरफ। ये अगर जनमानस का भाव देखें तो ऐसा लगता है कि इस बार पिछली बार ज्यादा सीटें दिख रही हैं। नहीं, जनमानस का भाव नहीं, माफ कीजिएगा, जनमानस का भाव, हम लोग जो सड़कों में गलियों देहातों में घूमते हैं, हमें भी कुछ आभास होता है। हम लोग दिल्ली में कम रहते हैं, ज्यादा घूम ही रहे होते हैं, और इसलिए जनमानस का भाव तो कम से कम मुझे मत बताइए। और मैंने देखा पिछले 3 महीनों में सोशल मीडिया पर, वो भी जनमानस का भाव है, जितने आप लोग पोल कराने की कोशिश करते हो एक दिन में वो पोल हटा देते हो, पिंड ट्वीट हटा देते हो, क्योंकि इतना भारी फर्क आता है। मोदी जी बेचारे धड़ाम से नीचे उनका आंकड़ा गिरा हुआ होता है और राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का बढ़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कितनी बार वो ट्वीट गायब भी हो जाते हैं, तो हमें भी मालूम है जनमानस क्या है और क्या नहीं है। इसलिए वो छोड़िए, मनोरंजन प्राप्त कीजिए आप भी और हम भी। और 1991 से मैं ये सर्वे का क्षेत्र में हूँ, मुझे भी मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो इस पर क्या चर्चा करनी पवन जी। लेकिन ये बहुत ही इस वक्त गंभीर मामला है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, अभी मनोरंजन में रहेंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है आगे आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। नहीं, आप मनोरंजन दे रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं, तो आप 10 मिनट का मनोरंजन तो हमें भी लेने दीजिए। आप तो पूरे दिन चला रहे होते हैं मनोरंजन, तो 10 मिनट तो हमें भी स्वीकार करने दीजिए आपका मनोरंजन, हम भी भाग ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपका चैनल, वैसे भी हम बहुत देखते हैं। पर उसमें क्या हो गया, जिस बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ और दिखाइए। चलिए, आप ये दिखाना शुरू कीजिए। नहीं, मैं बात खत्म कर देता हूँ। आप ये एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, वो दिखाइए, मनोरंजन खत्म होगा, सब गंभीरता से देखेंगे और आप भी दिखाएंगे। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं इस देश में, कितने बलात्कार होते हैं 1 घंटे में इस देश में। आप दिखाना शुरू कीजिए, ये सब मनोरंजन हटाइए ना, असली मुद्दों पर आइए ना पवन जी। अभी कैसे 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी का, आइए ना उस पर चर्चा करते हैं, छोड़िए ना ये आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण वो आंकड़े हैं, कितने पेपर लीक होते हैं इस देश में,